साउथ अफ्रीका के बारे में अगर आप देखेंगे तो एजेंट ही जो है ना उसके ऊपर एक हाइप क्रिएट कर रहे होते हैं कि जी ओहो आपने साउथ अफ्रीका का वीजा मांग लिया है, बड़ा डेंजरस वीजा है। क्यों जी डेंजरस क्यों है? आपको मिलने वाला नहीं है, मिलेगा नहीं, बड़ा मुश्किल होता है। हम ऐसा करेंगे कि हम आपको यहां से पहले दुबई लेके जाएंगे, दुबई से हम आपको मोजम्बीक लेके जाएंगे और मोजम्बीक से आपको बॉर्डर क्रॉस करवाएंगे, जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं बॉर्डर जंपिंग। बॉर्डर जंपिंग करवाएंगे और आप साउथ अफ्रीका में आ जाएंगे। देखिए पहली बात तो ये है कि साउथ अफ्रीका की बात हो रही है, हम किसी जन्नत की बात नहीं कर रहे कि अगर हम पहुंच गए तो हमारा सब कुछ पूरा हो जाएगा या वहां पर कोई हालात ऐसे हैं कि जो बहुत ही शानदार मामला हो जाएगा। एक कंट्री है, ये जो हाइप क्रिएट की गई कि आपको यूं करके लेके जाएंगे, ये करके लेके जाएंगे और आपसे 10 लाख रुपए ले लेंगे, तो सोचिए कि 10 लाख रुपए ले लेंगे, पहुंचकर क्या होगा, पहुंचकर क्या मिलने वाला है, इलीगल क्या करेंगे वहां पर? तो कोई फायदा नहीं है, वहां से वापस आप आ जाओगे, लेकिन वापस आओगे भी तो बड़ी बात है क्योंकि मोजम्बीक के बॉर्डर पर भी कुछ हो सकता है और दुबई में भी कुछ हो सकता है। आपकी डिपोर्टेशन होना कोई बड़ी बात नहीं है, मोजम्बीक में अगर आप उतर गए बड़ी बात है, उतरने के बाद अगर आप बॉर्डर पर पहुंच गए तो बड़ी बात है, और पहुंचने के बाद अगर आप साउथ अफ्रीका पहुंच गए बड़ी बात है, और पहुंचने के बाद आपने कोई बड़ी बात करनी नहीं है क्योंकि वहां पर पहुंचने के बाद आप बादशाह नहीं बन जाएंगे अल्टीमेटली। तो इसलिए इसको एक कंट्री लें, और अगर आप जो मैं आपको वीडियो में बताने लगा हूं, अगर आप उसके ऊपर सिंपल कूल डाउन होकर अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका काम वैसे ही हो जाएगा। आपको जरूरत नहीं है इतना हाइप क्रिएट करने की और हाइपर होने की कि जी मैंने इस तरीके से अप्लाई करना है, मेरे एजेंट से बात हो गई है, ऐसे काम नहीं करना है आपने। देखिए सिंपल सी बात यह है कि सबसे पहली बात थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए, अगेन कह रहा हूं, क्योंकि आप एशिया को क्रॉस करोगे और अफ्रीका की बात कर रहे हो, ठीक है? थोड़ी सी क्या चाहिए आपको? ट्रैवल हिस्ट्री, बैंक स्टेटमेंट उसी स्टैंडर्ड की चाहिए, उसी तरीके से चाहिए जिसके मैंने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है? मैं दोबारा से इस लिंक दे दूंगा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लें, गौर से समझ लें, समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ये तमाम रिप्लाईज मैं ही करता हूँ, आपके कमेंट्स मैं ही देखता हूँ, और ये सारा का सारा काम मैं खुद पर्सनली करता हूँ, और आपको मैं लाजमी रिप्लाई करता हूँ, लाजमी रिप्लाई करूंगा। अगर कोई ऐसा सवाल नहीं हुआ तो फिर जो है उस पर मैं कोई लाइक कर दूंगा आपको, कोई दिल बना के भेज दूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ आपको रिप्लाई जरूर आएगा। साउथ अफ्रीका हम क्यों जाएं? यही सोच के जाएं कि आप वहां पर एंजॉय करेंगे, वहां पर जंगल है, वहां पर सफारी है, वहां पर एक कॉस्टली इतना ज्यादा नहीं है और आप वहां पर जा सकते हो। वहां पर कैसे जा सकते हो? मैंने आपसे कहा कि आपके पास 6 महीने का पासपोर्ट प्रॉपर होना चाहिए, जो कि अच्छा पासपोर्ट हो, थोड़ा बहुत ट्रेवल किया हुआ हो, आपका बैंक स्टेटमेंट वैसा ही हो जैसा मैं आपसे हमेशा हर वीडियो में मांगता हूं। अगर आप नए हैं तो आप इसको इस चैनल को सब्सक्राइब करके देखें, पीछे वीडियोस में आपको नजर आएगा कि मैं क्या बातें कर चुका हूं अब तक, ताकि वैसे मेरी रिपीट वर्जन ना आए, बार बार बोरिंग ना हो। तो वो होना चाहिए। इस वीजे के अंदर आपके पास टिकट होना चाहिए कंफर्म, आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, आपके पास तमाम चीजें होनी चाहिए, अपनी जगह सब ठीक है, ये सब सेम है। मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे, पिछली वीडियोस देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि क्या होना चाहिए। लेकिन जो सबसे चेंज बात है, मैं वो कर लेता हूं आप लोगों से, क्योंकि आप लोग आप उसको देख रहे हो मुसलसल इस चैनल को, तो आपको समझ में चीजें आ रही हैं, आपको याद होती जा रही हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए। रिपीट करने का मतलब मेरा ये भी होता है कि आपको मेमोराइज हो जाए। इन लोगों को चाहिए कन्फर्म होटल बुकिंग विद ऑल मीन्स। अब ये क्या है कि आप कहते हैं कि जी मैंने अपने एक ट्रैवल एजेंट के पास गया और उसने मुझे कन्फर्म होटल बुकिंग दी, पैसे भी चार्ज किए, मैं इसको इनकार कर रहा हूं, ऐसा नहीं करना है हमको, ठीक है? यही गलती है, यहीं से रिफ्यूज होता है वीजा। करना आपने ये है कि आपसे जो वो कन्फर्म होटल बुकिंग मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं साउथ अफ्रीका से बुकिंग करो होटल की, और वो ओरिजिनल पेपर भेजे आपको बुकिंग का, यानी कि जो आपका जो बुकिंग है वो ओरिजिनल आए, जिसके ऊपर होटल की स्टैंप एंड साइन हो, यानी कि होटल बताए कि ये मैंने होटल बुक करके दिया है डायरेक्ट टू क्लाइंट। अब चाहे वो आपको एजेंट करके दे, चाहे आप खुद करें, मैं इस पर मैं नहीं आ रहा, या आप जाने, आपको काम जाने, लेकिन आपने कॉन्टेक्ट करना है होटल से कि जो साउथ अफ्रीका में होगा, और उसको आपने ईमेल करना है, बताना है, पेमेंट करनी है, वाउचर मंगवाना है, ओरिजिनल का तकाजा करना है, कॉपी नहीं चलेगी, ईमेल नहीं चलेगी। हाँ, ईमेल की अटेस्टेशन आप लगा सकते हैं, साथ उसके अटैच कर सकते हैं कि जी ये कॉरेस्पॉन्डेंस मेरी हुई थी, इसके अगेंस्ट ये होटल मुझे मिला है, और वो ओरिजिनल पेमेंट जो रसीदे आपने
किए हैं शिफ्ट वो और जो होटल का वहाँ से फाइनल आपके पास बुकिंग आ गई है, बुकिंग वाउचर आ गया है, वो आपने लगाना है और इस बेस के ऊपर मैं समझता हूँ कि आपको वीज़ा मिल जाता है। आपको जरूरत ही नहीं है कि आप पैसा खर्च करें, 10 लाख रुपए खर्च करें। तो 10 लाख जब आपने जाना है तो आपने होटल तो लेना ही है, आपको साउथ अफ्रीका में तो कोई घर है नहीं तो आपने होटल तो लेना ही है। आप 7 दिन का होटल ले लें, आप 5 दिन का होटल ले लें, 10 दिन का होटल ले लें, वहां रह लें और वहां पर अपने जो मामलात हैं, हालात हैं, वो अपने आंखों से देखें। तो बजाय पैसा लगाने के 10 लाख रुपए एज अ हेल ऑफ अमाउंट, आप 10 लाख रुपए के अंदर मैं समझता हूँ 15 मुल्क घूम सकते हैं। आप तो अगर ये करने भी निकल रहे हैं कि मैं देखूं मैंने रहना कहाँ है, तो आप 10 लाख रुपए अगर खर्च करने के प्रोग्राम में आ ही गए हैं तो भाई वो 10 लाख रुपए अपनी जात पर लगा दो, 15 मुल्क घूम सकते हो। अगर प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा, तो मुझसे रब्ता कर लो, कमेंट बॉक्स में तो मैं डिटेलिंग दे पाऊंगा, लेकिन मुझसे रब्ता कर लो। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, बल्कि जो स्क्रीन पर आता रहता है व्हाट्सअप नंबर, उसी पर रब्ता कर लो। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि किस तरीके से आप अपनी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बन जाएगी, थोड़ा सा एंजॉय भी कर लोगे और आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे 10-15 मुल्क घूमने के बाद कि आप जहां मर्जी पर अप्लाई करें, आपके सिर्फ डॉक्यूमेंट ठीक होने चाहिए। आप कहीं जहां मर्जी अप्लाई करें, टूरिस्ट हैं, फिर आप 10-15 मुल्क घूम लिए तो आप टूरिस्ट हैं और टूरिस्ट को दुनिया भर वीजा देती है। ये भी कमाल है। जब आप टूरिस्ट बन जाओगे तो टूरिस्ट को एशिया तो क्या, अफ्रीका तो क्या, यूरोप तो क्या, अमेरिका भी वीजा देगा, ऑस्ट्रेलिया भी वीजा देगा। सिस्टम में रहना चाहिए आपको बस। ये जो हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं जो आपको वरगलाते हैं, डराते हैं, ये ऐसा ही है जैसे डॉक्टर जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, आप वो कहते हैं कि जी आपको बहुत सख्त बीमारी है, तो वो सख्त बीमारी के पैसे ज़्यादा बन जाते हैं। इस तरीके से वो कहते हैं कि जी बहुत सख्त कंट्री है, तो सख्त कंट्री के पैसे ज़्यादा बन जाते हैं। तो लिहाजा ज़रूरी नहीं है कि आप कंसल्टेंट की बातों में आएं, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको सामने चीज़ें खुलती हुई नजर आएंगी। और इस किस्म की वीडियोस को आगे शेयर करें ताकि लोगों की दिमाग खुले और वो लोग भी प्रॉपरली अप्लाई करने को तरजीह दें बजाय गेम बनाने के।